हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लैंड के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज ड्रीम लैंड पे हम लोग मुंबई और जो आरसीबी का मैच होने वाला है उसमें लाइव जीएल टीम ड्रीम लैंड पे बनाते हैं। ठीक है, तो बीबी क्रिकेटर में यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और यह मैच आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर होने वाला है जो इंडिया का सबसे छोटे ग्राउंड में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होते हैं और जो यहाँ पे हिटर हैं स्पेशली जो ओपनिंग करते हैं वो अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहां से अभी विकेट कीपर में ईशान किसान को लेंगे। ठीक है, जो कि पिछले सीजन में भी एमआई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे और अभी भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अदर ऑप्शन अगर फिन एलिन खेलते हैं तो उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक, बैट्समैन में हम विराट कोहली को, जो कि अच्छे खासे ये अभी फॉर्म में है। ठीक, और ये अगर फॉर्म में नहीं भी हो तो फिर भी ये टीम में रखने लायक प्लेयर सही साबित होते हैं। रोहित शर्मा, ग्राउंड छोटा होने की वजह से ये लंबा लंबा हिट मार सकते हैं और हो सकता है कि ग्राउंड छोटा है तो ये अच्छी खासी इनिंग यहाँ पे खेल जाए। सूर्य कुमार यादव, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे हुआ था यहाँ पे गोल्डन लेग पर आउट हुआ था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि T20 के काफी अच्छे बैट्समैन है और ये कभी भी अपने रंग में आ सकते हैं। ठीक है, फाफ डुप्लेसिस, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे इनका जो एवरेज है वो 94 का है। ठीक है, और काफी अच्छा खासा इनिंग इस स्टेडियम पे ये खेलते हैं। ठीक, और यहाँ से बैट्समैन में आप और भी हैं जो जिनको अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे प्रेफरेंस होंगे वो टॉप के यही फोर होंगे। ठीक है, ऑलराउंडर में चलते हैं हम, ग्लेन मैक्सवेल, जो यहाँ का कंडीशन है अगर इनको बैटिंग करने को मिल जाता है तो काफी लंबी लंबी हिट मारते हैं, इनको अपने टीम में रख सकते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है। ठीक है, तो हमने उधर ये बैट्समैन में हमने विराट कोहली को लिया हुआ है, फाफ डुप्लेसिस को लिया हुआ है कि अगर ये दोनों चल गए तो फिर मैक्सवेल के बैटिंग आने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो इसे आप अपने रिस्क पे टीम में रख सकते हैं और ये आपके एक लकी प्लेयर भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने ऑलराउंडर में यहाँ पे ब्रेसवेल, जो कि इंडिया के खिलाफ जो आपका मैच हुआ था अब जानते हो कि इन्होंने काफी अच्छी खासी इनिंग खेला हुआ था। ठीक है, और ये T20 में भी काफी अच्छा खेलते हैं, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे देंगे। फिर ये कैमरून ग्रीन, ये एक सॉलिड बैलेंस होंगे। ठीक है, एमआई के लिए, और ये ओपनिंग भी करने आ सकते हैं अगर ओपनिंग करने का मौका मिला और लंबी लंबी हिट भी मारते हैं ग्राउंड छोटा होने के कारण, और फास्ट बॉलर भी हैं। इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा विकेट पेसर्स को मिला हुआ है और फिर स्पिनर्स को, तो यहाँ पे जो पेसर्स हैं वो अच्छी खासी विकेट ले सकते हैं, तो आप टीम में प्रिफर पेसर्स को ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये है एक आपके है शहजाद अहमद, ये एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले सीजन में आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया हुआ था और ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं, साथ ही साथ ही आपके लकी प्लेयर भी साबित हो सकते हैं जीएल परपज के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपने जीएल में लेना चाहें तो आप इनको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑलराउंडर में आप ग्लेन मैक्सवेल पर चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम ये ब्रेसवेल और ग्रीन को ही अपने टीम में रखेंगे। फिर हम लोग बॉलर में आ जाते हैं, तो आर्चर जो फिलहाल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हर्षल पटेल जो कि आपका स्लॉग ओवर और डेथ ओवर दोनों बॉलिंग करने के लिए आते हैं इसलिए इनको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बस रहते हैं कि कुटाई भी कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, आप यहाँ पे मोहम्मद सिराज को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद सिराज के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ये इनकी लेंथ को काफी अच्छा पिक करके इनकी कुटाई बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आर टोपली, अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए जीएल के लिए काफी महत्वपूर्ण प्लेयर साबित हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जेसन बेहरन डॉफ, ये प्लेयर जिनका बिग बैस लीग काफी अच्छा गया हुआ था, इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं और हम भी रखेंगे जीएल पर्पज से, जिससे कि ये आपके लिए एक लकी प्लेयर यानी ऑफ फील्ड पिक प्लेयर साबित हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहां से करण शर्मा पीयूष चावला और आपके यहां से ये दो ऐसे प्लेयर हैं
जो आपके लिए हैप्पी हंटर प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। करण शर्मा भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पीयूष चावला भी, और दोनों ही आपके लिए हंटर प्लेयर हो सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इनको ले लिया, अब हम लोग चलते हैं, आप किसी और प्लेयर को लेना है तो हम लोग कौन सा प्लेयर लें, यहाँ पर हम लोग और भी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिलहाल अगर जीएल पर्पस से जा रहे हैं तो एक और बैट्समैन कौन, यहाँ से आप, ठीक है, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हम मैक्सवेल को अपने टीम में रख ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फिलहाल जो मेरे कैप्टन होंगे वो सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन विराट कोहली, यहाँ से आप कैप्टन फाफ डुप्लेसिस, वाइस के कैप्टन ईशान किशन को भी एक टीम में बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो आप कैप्टन ब्रेसवेल और वाइस कैप्टन ग्रीन को बना सकते हैं, और आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जोफ्रा आर्चर भी एक अच्छा पिक हो सकते हैं, क्योंकि अभी स्लाग ओवर और डेथ ओवर दोनों बॉलिंग करने के लिए आते हैं, इसलिए दोनों में इनको विकेट मिलने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। तो ये चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल जो मेरे कैप्टन होंगे वो सूर्य कुमार यादव होंगे, और ठीक है, हम यहाँ से वाइस कैप्टन फिलहाल फाफ डुप्लेसिस को बना देते हैं, ठीक है, इनके साथ, और यहाँ से हम ये सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से टीम सेव हो गई है, और यहाँ से हमने दो टीम ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक टीम में जो मेरे कैप्टन रोहित शर्मा है और दूसरी टीम में विराट कोहली है, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी टीम न्यूज आने के बाद उसके अनुसार आप अपनी टीम को एडिट जरूर कर लीजिएगा। यह जो हमने टीम बनाया हुआ है, यह हमने अपनी जानकारी और जो भी प्लेयर इसमें शामिल किए हुए हैं, जो हाल फिलहाल में जिनका जैसा रिसेंट फॉर्म रहा है उसके अनुसार ही हमने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी टीम में अपने अनुसार चेंजेस करके अपनी टीम बना के जीएल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरे न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख पाए। तब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।